अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मोहम्मद शबील इंफॉर्मेटिव चैनल। काफ़ी दिनों बाद आज आपको इंशाल्लाह लबर्ट की प्रोग्रेस दिखाते हैं और दिखाते हैं क्या बीट आई है, क्या सिलसिला रहा है। तो किसी ने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो वो कर लें ताकि आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो वीडियो को शुरू करते हैं। ये हमारा माशाल्लाह पहला पेयर है, अल्बाइनो रेड आई स्प्लिट का मेल है और रेड आई फीमेल है। इसमें माशाल्लाह एक लिंक की हुई है, 3 अंडे दिए हुए हैं इसमें और इंशाल्लाह ये जल्द जो है इसके और ये अंडे अपने पूरे कर लेगी। इस तरह हमारा ये सेकंड रेड आई का एक पेयर है, इस पेयर ने भी माशाल्लाह से जो है एग लिंक की हुई है। ये घर के पट्ठों का मेल है और बड़े घर के पट्ठों की फीमेल है, ज़्यादा हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे। इसके अलावा तीसरा हमारा ये लुटीनो का पेयर है जो कि हम फोस्टर के तौर पे यूज़ करते हैं और कुछ बच्चे इत्तेफाक से इतने फर्टाइल हो जाते हैं तो इसमें भी माशाल्लाह एग लिंक की है। चौथा ये पेयर येलो चेस्ट का है, इसमें एक ग्रीन ऑफलाइन का बच्चा फोस्टर है, एक अल्बाइनो का बच्चा फोस्टर है और इसके बच्चे कहीं और मूव कर दिए गए हैं। उसके बाद एक ये पेयर है अल्बाइनो का, ये भी फर्स्ट ब्रीड का पेयर है। इसने अभी तक कोई परफॉर्मेंस नहीं दी मगर ये है कि इंशाल्लाह ये जल्दी ब्रीड कर जाएगा। उसके बाद एक ये पार्बलू फिशरी का, अल्बाइनो फिशरी का मेल है क्योंकि ये टेस्ट ब्रीड इसकी ले ली है और उसके बच्चे जो हैं फिशरी आए हैं, कंफर्म हो गया। इसके बच्चे भी मैं दिखाता हूँ और ये ही फीमेल है पार्बलू फिशरी की। इसमें माशाल्लाह हैचिंग स्टार्ट हो गई है, पहला बच्चा ब्लैक आई निकला है, इसके बाद देखते हैं कि ये रेड आई निकलता है या क्या है क्योंकि ये इनो स्प्लिट फीमेल है और कभी कभार इनो स्प्लिट से बच्चे जो है नहीं आते। उसके बाद एक ये ग्रीन ऑफलाइन का पेयर है, ये मेल थोड़ा सा जो है प्लग इन कर रहा है अपने आप को, पता नहीं किसी स्ट्रेस में है या क्या है मगर माशाल्लाह बच्चे कोई प्लगिंग नहीं हो रहे। तो एक ये दो ऑफलाइन के हैं, इसमें एक अल्बाइनो का फोस्टर हुआ हुआ है और एक सेबिल का बच्चा जो है फोस्टर किया हुआ है। इसके अलावा एक ये फिशर का पेयर है, इसमें भी कुछ अंडे फोस्टर किए हुए हमने और ये हमारा एक येलो चेस्ट का टॉप क्वालिटी का पेयर है, इसका एक बच्चा सेल्फ है, इसको अलग नहीं किया और ये एग लिंग करके फीमेल बैठी हुई है। इसके अलावा एक ये वॉयलेट का पेयर है, इसने भी अंडे फर्टाइल किए हुए, डबल फैक्टर ज़बरदस्त क्वालिटी का पेयर है ये। उसके बाद एक ये येलो चेस्ट का पेयर है, ये भी एग लेइंग पे है। ये यूविंग टू यूविंग पेयर लगा हुआ है, लोग मना करते हैं मगर लग गया था पेयर तो ये लगा लिया है मगर माशाल्लाह इसके बच्चे निकल जाते हैं। इसने भी एग लेइंग की हुई है, इसका एक अंडा ख़राब हो गया था, बाकी अंडे जो हैं फर्टाइल हैं, जल्दी बच्चे हैच हो जाएंगे। ये एक पार्बलू इनो और अल्बाइनो का पेयर है, इसको डिस्टर्ब नहीं करूँगा, इसने भी एग लेइंग की हुई, अक्सर क्रिमिनो निकालता है पेयर। ये हमारा माशाल्लाह लबर्ट का पेयर है, इसके बच्चे अभी सेल्फ हुए हैं, पोस्टर किए हुए थे तो वो मैं दिखाता हूँ। और ये टॉयलेट डबल फैक्टर का पेयर है, फीमेल की एक आँख ख़राब हुई हुई है मगर ये ब्रीड अच्छी करती है। इसके अलावा एक ये सेबिल का पेयर मौजूद है, दिखाता हूँ, ये घर के पट्ठों का ही पेयर है, इसने भी एग लेइंग की हुई है, अभी अभी ताज़ा अंडा दिया है फीमेल ने, मैंने गलत टाइम पे इसको डिस्टर्ब कर दिया। और एक ये सेबिल का पेयर मौजूद है, ये पुराना पेयर है, इन्हीं के बच्चे हैं, ये मेरे ख्याल से बच्चा बाहर निकला हुआ है, थोड़ी सी हल्की फुल्की प्लगिंग करता है पेयर। तो ये अल्बाइनो और दूसरे बच्चे पाल रहा है। इसके अलावा ये अल्बाइनो का पेयर है, ये भी ब्रीड पे है, ये मेल का साइज़ आप देखें माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त है, फीमेल और अच्छी है तो ये भी एग लेइंग पे है। बिल्कुल मैं ज़्यादा इतना छेड़ नहीं रहा बर्ड्स को क्योंकि अभी किसी अंडे दे रही है कोई कुछ है, ये अल्बाइनो का पेयर है, ये बच्चे इसके भी निकले हुए। इसके अलावा एक ये पार्बलू का पेयर है, मैं आपको दिखाता हूँ,
उसके भी बच्चे हैं। ये फिशरी बच्चा मुझे लग रहा है वो पॉसिबल ब्लू टू हो सकता है क्योंकि दोनों पार ब्लू हैं। इसके अलावा एक ही अल्बाइनो का पेयर है, इसके बच्चे भी सेल्फ के करीब हैं मगर अभी इसको सर्दियां ज़्यादा हैं तो उसको अलग नहीं करेंगे अभी हम बर्ड्स को। और ये माशाल्लाह से और भी बच्चे जो है ये पेयर पाल रहा है जिसमें एक पार ब्लू है एक येलो चेस्ट है। तो ये कॉम्बिनेशन बनाते रहते हैं, मूव करते रहते हैं बच्चों को क्योंकि ताकि जो है बच्चे सर्वाइव कर सकें। ये ब्लू का पेयर है, इसके एक बच्चा ये एक्सपायर हो गया है तो इसको हटा देते हैं ताकि जो है बॉक्स में गंदगी ना हो। तीन थे, दो रह गए और आगे इसको बैलेंस कर देंगे आगे कुछ बच्चे निकले तो। इसके अलावा एक ये पार ब्लू का पेयर है, पार ब्लू टू पार ब्लू लगा हुआ है, इसके भी इंडोफर्टाइल है। पेयर दिखा देता हूँ मैं, ये इम्पोर्टेड परचेज़ किए थे जब, इनका साइज़ माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। एक ये अल्बाइनो का पेयर है, मेल ये बैठा हुआ फीमेल अंडों पे है। इसके अलावा एक ये पेयर है पार ब्लू का, इसने बड़ा रुला के ब्रीड करी है मगर अल्हम्दुलिल्लाह कर गया ये पेयर ब्रीड। ये कोई डेढ़ दो साल बाद पेयर ब्रीड करा है और ये दोनों स्प्लिट लगे हुए हैं अल्बाइनो टू अल्बाइनो ब्लैक आई, इसने भी एग लेइंग की हुई है, स्टार्ट कर दिए। और ये इसके साथ जो पार ब्लू इनो का मेल है और जो फीमेल लगी हुई है ये जो है ये भी अंडे देने वाली है, इसलिए इसको छेड़ नहीं रहा क्योंकि बिल्कुल ये अभी दे देगी अंडा। तो ये माशाल्लाह मैंने आपको कोई 25-26 पेयर का रिज़ल्ट दिखाया है यहाँ से लेकर यहाँ तक लाइन में, सिर्फ एक ये पेयर जो है जो कि यंग पेयर है जो ब्रीड नहीं कर रहा, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह सब है। बाकी इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में ये इनकी भी ब्रीड है आपको चेक कराएंगे और बर्ड्स की पार्ट टू में इसके। और बट्ठे मैं दिखा देता हूँ, जो ये मैं बता रहा था अल्बाइनो फिशरी है उसका ये बच्चा है, फिशरी मास्किंग में निकला है। एक ये स्प्लिट है और एक ये वॉलेट का बच्चा है। इसके बाद ये कुछ बच्चे अलग किए हैं जिसमें अल्बाइनो स्प्लिट में एक बच्चा ब्लैक आई आया है, देखें इसकी आईज़ रेड हो रही है और दूसरा ये रेड आई है, शेड पड़ रहा है इसमें रेड आई का, वीडियो में देख सकते हैं। तो ये कुछ बच्चे अभी सेल्फ हुए हैं, बाकी इंशाल्लाह और बच्चे भी अलग करना है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, फिर मिलते हैं पार्ट टू में नेक्स्ट वीडियो में। फी हमारे लल्ला।